दोस्तों वेलकम बैक टू मेरे उत्तर ब्लॉग। तो कैसे आप, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब मजे में हो। सुबह की बज चुकी हैं इसमें 5 और मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए फिलहाल। तो फाइनली मैं भाई घर आए हुए थे तो ये छोड़ के आएंगे हमें स्टेशन तक, क्योंकि वहाँ से हमारी कॉलेज की बस निकलेगी ना, इसलिए तो वहाँ से बस पकड़नी है, तो फटाफट से निकलते हैं काशीपुर। यार फाइनली हमारी बस सामने खड़ी है। यार फिलहाल बस हमारी रुकी है इस समय शिवा ढाबे पे, जो कि गतरुल्ला के पास में है, ब्रिज घाट से थोड़ा सा आगे। तो फाइनली बस हमारी ये खड़ी है और सारे गए हैं थोड़ा सा वो नाश्ता करने। मैं तो फिलहाल करके आया था नाश्ता। स्टार्ट करके हॉर्न मार दो एक बार। बस 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 फाइनली दिल्ली का जाम देख सकते हैं कितना है यार, काफ़ी सारा जाम लगा पड़ा है दिल्ली में। यार फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं ओखला, जहाँ पे हमें इंडस्ट्री एरिया में जाना था, तो फाइनली इंटर्नशिप के लिए। तो फाइनली पहुंच चुके हैं, बच्चे और सारे स्टूडेंट जा रहे हैं ब्रेक एक तक, पीछे पीछे हमारी मैडम खड़ी हैं। और अभी जहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन में जाना है तो वहाँ पे अभी पता नहीं है कहाँ जाना है, अभी शर्म वगैरह में ढूंढ रहे हैं। यार काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, तो जो जो होगा मैं दिखाऊंगा आपको, अंदर का पूरा व्यू दिखाऊंगा कैसा है कैसा। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं LG होप टेक्निकल स्किल अकेडमी पे, तो यहाँ पे हमारी वो इंटर्नशिप होगी। तो फिलहाल तो सभी को अंदर बिठाया गया है। तो यार फाइनली सारे लंच करने के लिए आ रहे हैं कैंटीन में के लिए। तो ये दाल सब्जी वगैरह सारे चावल वगैरह है, और ये मेरे ख्याल से रोटी है। तो फाइनली यार जल्दी से खा के फिनिश करता हूँ और तब मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। पूरी 8 लाख रुपए की, 8 से 9 लाख रुपए की पूरी मशीन बनती है और टिश्यू पेपर बनाने वाली है। बाकी नेक्स्ट चलते देखते हैं। जो प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने आते हैं, एक मशीन होती है इंजेक्शन मोल्डिंग की, उस मशीन से ही हमारा पहले प्री फॉर्म आता है। उस मशीन से आप जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ये तो 8 लाख की मशीन नहीं, आप कहोगे ये मार्केट से हमें परचेज़ नहीं करना, हम इसकी मशीन नहीं, हम मार्केट में परचेज़ करने कहाँ जाएँ। इतना टाइट होता है कि बोतल को एक्सपेंड कर देता है, तब आपकी इस फॉर्म में जो फिनिश प्रोडक्ट होगा आपका ये बोतल तैयार हो जाएगी। भाई ताड़ा बिजनेस है, 15 पैसे का ये आपको चेंज के दूंगे। आपने देखे होंगे बड़े भी दोने आते हैं, तो जैसे ही आप डाई लगाते हो, बड़ी डाई लगाओगे तो बड़ा दोना आ जाएगा। चेंज का आप साइज पूरी मशीन 35,000 की है। यस, ये हमारा आ गया पेपर प्लेट्स का, ये जो आप देख रहे हैं साइड में प्लेट रखी हुई है, पेपर प्लेट्स बनते हैं इसमें, है ना। इसमें साइज दिया, इस बार ये ला के दिखा दूंगा। कल अपने सेट में ये मशीन लेके पूरी एक नोटबुक बनती है। जो इसमें पेपर आ रहा है रॉ मटेरियल, तो आपको पेपर ही रहेगा जी, रॉ मटेरियल तो पेपर ही रहेगा। इसमें जो पेपर है आप एक GSM चेंज हो गया, ये आ गया 70 बेस्ट क्वालिटी है, था 15-17 जीएसएम कम था। अब तो इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग का मतलब ये जो साइज आ रहा है आपका A4 साइज देना है, A3 साइज देना है, या फिर ये साइज देना है A4 का 75 ग्राम रहता है। हाँ, तो जो भी साइज देना है पहले साइज के अकॉर्डिंग पेपर को आप पहले कट करोगे अगर नोटबुक बना रही है। ये जो रूलिंग देख रहे हैं ना, ये वाली रूलिंग, ये लाइनिंग देख रहे हैं आपको किसी के पास, ये लाइनिंग, हाँ जी हाँ जी, ये काम करेगी प्रिंटिंग वाली मशीन। के अंदर प्लेट्स लगती हैं, प्लेट लगाओगे अंदर प्लेट्स लगेंगी, तो वही प्लेट आपकी प्रिंटिंग में कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो कवर पेज है इसे कहते हैं कवर पेज, हाँ जी, ये आता है 250 GSM का, उस वाली पूरा पेपर डालेंगे तो ये ग्रीजिंग आ जाएगी। लास्ट में जो मशीन लगी है वो आपकी है बाइंडिंग की। टोटल सर 15 लाख का सेटअप है। 1 इंच की 1.5 इंच की जो कीलें बनती हैं, मैक्सिमम 1.5 इंच की कील बनती है, कील बनाने वाली है हमारा मटेरियल में। देख रहे होंगे जंग वगैरह लगी है, हाँ जी, है ना, क्योंकि आप जब चीजों को बनाओगे, क्योंकि हम सेल आउट तो कर नहीं रहे, हम तो प्रैक्टिकली एक्सपोजर दे रहे हैं कैसे बनती है, कैसे क्या लगता है,
क्योंकि आप जब बनाओगे तो तुरंत बनाओगे, तुरंत सेल करोगे, तो जंग लगने की तो कोई संभावना ही नहीं। लेकिन फिर भी जंग लग जाती है, रस्टिंग आ जाती है उसमें, तो उसके लिए केमिकल्स आते हैं। वो केमिकल्स लेंगे आप, ये सारी जंग लगी हुई कीलें उसमें डाल देंगे, नहीं हो जाएंगी, है ना। तो वो फिनिशिंग, तो उसे कहते हैं निकल प्रोसेस। वो कॉस्ट क्या है सर इसका? ये 1.5 लाख रुपये की, 1.5 लाख रुपये। इसमें कील के साइज बड़े छोटे, 1/2 इंच, 1 इंच और 1.5 इंच। अब वो मल्टीटास्किंग मशीन से जिसमें आप नट बोल्ट है, स्क्रू वगैरह आते हैं, है ना। तो इसमें सेट सोचते हो कि सॉक्स वगैरह बनते हैं, वो आपके कपड़े से बनते हैं, कपड़े से नहीं, वो थ्रेड होते हैं, थ्रेड से, है ना, जो आप, जो कि आप पीछे देख रहे हैं। दूसरी चीज अब बात आती है इस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी बता दें, 2 से 2.5 मिनट के अंदर 1 टन आपका सॉक्स बनके तैयार होता है, और 8 घंटे में ये मशीन 8 दर्जन यानी कि 100 पीसेस मान लीजिए आप, ये बना के तैयार कर देती है 2.5 मिनट में। एक सॉक्स, एक पेयर मतलब यानी दो, दो है ना। तो जब सॉक्स बनता है, और दूसरी चीज आती है डिजाइन वगैरह देखे ना, डिजाइन वगैरह ये जो कैट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो डिज़ाइन आप पेन ड्राइव में लेके वहाँ पे इसमें इंसर्ट करेंगे, जो भी डिज़ाइन आपने पेन ड्राइव में ली है वही सेम डिज़ाइन आपकी सॉक्स पे प्रिंट होके आएगी। आपका क्वेश्चन है सर, कॉस्ट क्या है इसकी? ये लगभग पड़ जाएगी आपकी 5 लाख के, दोनों हो भी मिला के सारी तीनों सेटअप इंटरलॉकिंग। ये भी खड़े मसाले, साबुत मसाले होते हैं ना, मसाले आपका हल्दी या धनिया मिर्चा वगैरह, उसको पाउडर फॉर्म में लाने के लिए। तो प्योर जब हल्दी पिसती है तो खुशबू आती है ऐसी आप। अब जो पैकेट में से आप हल्दी लेते हो वो मिलावट होती है, मुझे हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोग खुशबू उतनी नहीं है इसकी, तो काफी तेज होगा। 1 घंटे में 25 KG मसाले चाहिए। 4 लाख की पूरी मशीन है, खाली है लहसुन और अदरक पेस्ट बनाने वाली मशीन है ये। ब्रेड बनाने का आगे कोई भी काम चीजें बनाने से पहले उसका मिक्सचर बनाना पड़ता है। चीनी है, मिल्क है, कस्टर्ड है, ईस्ट है, नमक है, घी है, सुगर है, इंप्रूवर है, ऑयल है, सॉल्ट है, कोई भी चीज ब्रेड बना रहे हो तो ब्रेड के लिए ये तो सामग्री बताई, ये चीज लगेगी, ये मिक्सचर है, रॉ मटेरियल डालोगे, इससे मिक्सचर बनाओगे, वो मिक्सचर बनाने के बाद ये सांचे देख रहे हो आप, वो सांचे में डालोगे आप, फिर ये सांचे कहाँ जाएंगे, बेक किस में होता है, ओवन, ओवन आप कहीं देख रहे हैं आपको ओवन, ये सर ये हो गया। ऐसा मत करना कि ब्रेड वाली मशीन दे दी, ओवन लिए ही नहीं, ये काम रॉ मटेरियल तैयार कर लिया आपने, सांचे में डाल दिया, फिर आपने वहाँ डाल दिया ब्रिक फॉर्म में, जो ब्रेड आएगी देन वो उसकी कटिंग करोगे, स्लाइसर देख रहे होगे आप, ये वाला, अच्छा ये वाला, उसकी पहले आपको क्रीम बनानी पड़ेगी, सारा मटेरियल आपने मिक्स कर लिया, ठीक है, वो मटेरियल क्रीम निकाली आपने, ये हमारी ड्रॉपिंग मशीन है, ड्रॉपिंग मतलब वो ड्रॉप करेगी आपने, जो भी आपने रॉ मटेरियल बनाया है, क्या शेप है उसमें, आपने मटेरियल डाल दिया, क्रीम डाल दी, अब वो ड्रॉपिंग होती जाएगी, कुकीज आपकी एक लेयर बनती है, दूसरी लेयर आ गई, तीसरी लेयर आ गई, चौथी लेयर आ गई, यही ट्रे आप निकाल के ओवन में, ये आप देख रहे होंगे उसमें लगी हुई है ना, ओवन में डाल दोगे। ये मुझे कितने का था बताइए? 6 लाख। 6 लाख की केवल ये 15 लाख का सेट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरा वहाँ तक है। अभी आप लोगों ने सोया बीन के बाद सोया सीड्स आते हैं जी, तो इसी सोया सीड से ये सोया मिल्क है, ये जब अपने बच्चों का इसी से दूध बनता है, इसमें सिर्फ जरूरत है दूध सोया सीड्स की और पानी की, जब सोया फ्रेश होती है ना तब इससे दूध बनता है। और पनीर जो बनाते हैं इसको फाड़ के, 1 KG सोया से 7 से 8 लीटर दूध निकल जाता है, चाय वगैरह सब बना लो इससे, 7 लीटर दूध का पानी उसी से दूध बनाए, और 7 लीटर दूध को अगर फाड़ते हो आप विनेगर से या नींबू से फाड़ते हो तो 1.5 KG के करीब वो टोफू निकल जाता है, यानी पनीर जी 3.5 लाख। ये ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन देखोगे, रिच ऑफ प्रोटीन, लो फैट्स, कोलेस्ट्रॉल नहीं, प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलेगा वो आपको सोयाबीन मिलेगा। और दूसरे हम लोग आए थे यहाँ पे, देख सकते हैं कितनी सारी मशीन है यहाँ पे ना, सब विजिट करवा रहे हैं, कौन कौन सी मशीन क्या करती है, इधर भी काफ़ी सारी मशीनें हैं हमारी देख सकते हैं, और इधर भी काफ़ी सारी मशीनें हैं, छोटी छोटी मशीनें हैं, काफ़ी सारे मैन्युफैक्चर, बाकी अंदर भी थी कोकीज़ वगैरह, तेल वगैरह, कपड़े वगैरह, काफ़ी सारी मशीनें थी देख सकते हैं, पंडी बनाने वाली, इधर कपड़े बनाने वाली है, तो काफ़ी अच्छा व्यू था यार,
अभी मतलब बता ही रहे हैं क्या क्या होता है, बाकी अभी विजिट कर ही रहे हैं क्या है। हमारे जो ट्रेनर थे यहाँ पे, जो यहाँ पे इंडस्ट्री विजिट कराई है, तो सबने कराई है। आपका नाम क्या होगा? राज यादव। तो इनका राज यादव नाम है, तो इन्होंने विजिट कराया यहाँ पे। और सर के हमारे साथ हैं, जो पंकज सर हैं, सर चले गए हो। तो फिलहाल इन्होंने काफ़ी सर विजिट कराया हमारे यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच सर। फाइनली यहाँ निकलते हैं क्योंकि सेशन कम्प्लीट हो गया हमारे यहाँ पे। क्या दे दिया, क्या है इसके अंदर? तो यार भाई ने अपना सारा मेरे को दे दिया, देख सकते हैं दो दो हो गए मेरे पास। तो यार फिलहाल पूरा सेशन ख़त्म हो चुका है हमारा, और हम लोग गए हैं वहाँ पे लौटते समय मोका ढाबे पे। तो फिलहाल कुछ यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, और हमारे ड्राइवर साहब जो है कपड़ा मार रहे हैं पीछे। पहली बस करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको ये हमारा छोटा सा ट्रिप, छोटी सी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो यहाँ पर लाइक में सब्सक्राइब जरूर करके मिलेगा। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक देख जाए।